सब्सक्राइब कीजिए कैपिटल न्यूज पलामू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए पलामू की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए। पलामू में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की दिशा में जिला प्रशासन कमर कस चुकी है। अब जरूरत है पलामू के नागरिकों को जागरूक होने की। हमने बीते 12 मार्च को कैपिटल न्यूज पर एक खबर दिखाया था जिसका शीर्षक था, लापरवाह सिस्टम में कैसे पढ़ेंगे बच्चे, कौन है जिम्मेवार। खबर में हमने दिखाया था कि मेदिनीनगर सदर पंचायत के सिंगरा खुर्द गांव अंतर्गत बजराहा टोला के विद्यालय की स्थिति 8 बजे के बजाय 10:15 बजे विद्यालय के शिक्षक स्कूल पहुंचे थे। वहां के बच्चों से हमने बात भी की थी और बच्चों ने बताया था कि प्रत्येक दिन विद्यालय इसी टाइम पर खुलता है। हालांकि विद्यालय में 3 शिक्षक पदस्थापित हैं, लेकिन 2 शिक्षकों को परीक्षा ड्यूटी मिली थी और एक शिक्षक अध्यानंद चौबे के जिम्मे विद्यालय था। कैपिटल न्यूज पर खबर चलने के बाद पलामू उपायुक्त अमित कुमार ने इस पर तत्काल संज्ञान लिया और डीएससी बृजमोहन कुमार को जांच के आदेश दे दिए। उसी दिन प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी पांडे प्रेम प्रकाश शर्मा को विद्यालय भेजा गया। शिक्षक अभयानंद चौबे ने अपने स्पष्टीकरण में अपनी बेटी की तबीयत खराब होने की बातें कही, साथ ही बेटी का मेडिकल रिपोर्ट भी सबमिट किया, लेकिन उपायुक्त के निर्देशानुसार समय पर विद्यालय नहीं खोलने के आरोप में शिक्षक अध्यानंद चौबे पर बड़ी कार्रवाई की गई। उनके वेतन का एक इंक्रीजमेंट काट लिया गया। जिला शिक्षा अधीक्षक बृजमोहन कुमार ने स्पष्ट रूप से यह निर्देश जारी कर दिया है कि सरकारी विद्यालय समय से खुले और शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चले, और यदि किसी भी शिक्षक के विरुद्ध ऐसी शिकायत आती है जो विद्यालय देर से पहुंचते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित है। आपने जो वहाँ की दृश्य बताए हैं, वहाँ की बातें जो बताई हैं, आदरणीय डीसी साहब के माध्यम से मुझे जानकारी मिली थी और मैंने तुरंत ही अपने स्थानीय बीओ को भेजकर उसकी जांच कराई। वहाँ बीओ का प्रतिवेदन हमारे सामने है। उन्होंने बताया है कि वे जो शिक्षक हैं, वहाँ 2 नियमित शिक्षक हैं, 1 पैरा शिक्षक है। तो एक जो है ये पैरा शिक्षक विक्षम कार्य के लिए प्रतिनियुक्त किए गए हैं, जबकि एक जो प्रधानाध्यापक हैं उनके बेटी की तबीयत की खराब होने की बात बताई गई है, जो डॉक्टर के पास चले गए थे और उस समय वो भागे भागे आए हैं। परंतु हम लोगों ने कहा कि भाई अपने घर की तो नौकरी है नहीं कि जो आप अपने मन से जब ये होगा चले जाएंगे, जब होगा चले आएंगे। तो हम लोगों ने उनसे स्पष्टीकरण मांगते हुए और उनका एक इंक्रीमेंट हम लोगों ने काट दिया। अगली वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से हम लोगों ने उनकी रोक दी है और ये बड़ी कार्रवाई है। और जो लोग दीक्षण कार्य में थे, जो अपनी ड्यूटी में थे, तो अलग थे ही। बार बार ऐसी शिकायतें, जहाँ से भी ऐसी शिकायतें आ रही हैं, निश्चित रूप से पलामू ज़िले में कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ से हम लोग भी परेशान हैं कि लोग अपनी ड्यूटी को सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। जैसी शिकायतें आती हैं हम लोग तुरंत उसकी जांच करा के कार्रवाई।